सब्सक्राइब कीजिए हमारे एम एकेडमी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि इस चैनल में अपलोडेड वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिजीत और एम कंप्यूटर एकेडमी की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। पाइथन सीरीज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम। कंपोनेंट्स मतलब जब हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम में बहुत सारा चीज़ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पाइथन प्रोग्राम का कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ एक प्रोग्राम लिख के रखा है जिस प्रोग्राम से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि दो नंबर में से लार्जेस्ट कौन सा नंबर है। तो चलिए इस प्रोग्राम में हम लोग देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या है इस प्रोग्राम का। तो जितना पॉसिबल है, मतलब मैंने हर एक कंपोनेंट को यहाँ में इंक्लूड किया है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके क्या क्या कंपोनेंट्स है। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट लाइन आगे में हैश दिया हुआ है, पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट अमाउंट टू नंबर्स। ये जो हैश से स्टार्ट होता है, ऐसा लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉमेंट। ऐसा लाइन को हम लोग कॉमेंट बोलते हैं। जो लाइन हैश से स्टार्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉमेंट। उसका बाद अब देख सकते हैं, यहां पे मैंने लिख के रखा है def मैंने लिखा है। def का मतलब डेफिनेशन। जहां में आपको def दिखाई देगा, दैट मींस वो लाइन में क्या हुआ है, एक फंक्शन डिफाइन हुआ है। क्या हुआ है? फंक्शन डिफाइन हुआ है। फंक्शन का नाम क्या है? लार्जेस्ट। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में सीखा था कि प्रीडिफाइन फंक्शन क्या होता है या तो बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है। तो इस वीडियो में जो हम लोग फंक्शन यहाँ में लिखा है हम लोगों का लार्जेस्ट, ये है यूजर डिफाइन फंक्शन। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ में ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, अगर कोई कीवर्ड का बाद में एक वर्ड का बाद में अगर कोई भी पैरेंथेसिस होता है तो उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। तो ये हो गया फंक्शन का डेफिनेशन, दैट मीन्स यहाँ में हम लोग ने फंक्शन डिफाइन किया है। तो इसमें हम लिख देते हैं डिफाइन फंक्शन, दैट मीन्स यहाँ में हम लोगों ने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया इस लाइन पे। उसका बाद इस लाइन का बाद में भी आपको दिखाई देगा एक हैश है, हैश फंक्शन डेफिनेशन मैंने लिख के रखा है। यहाँ में भी मैंने हैश लिख के रखा था, इसको मैंने बोला था कमेंट, तो ये भी एक कमेंट ही होगा। यहाँ में भी हैश है, ये भी एक कमेंट ही होगा, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे इन लाइन कमेंट। मतलब एक लाइन का अंदर में कमेंट है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे इन लाइन कमेंट। मतलब कोई भी अगर ऐसा होगा, कोई भी एक लाइन लिखा है उसका बाद में अगर मैं कमेंट देता हूँ तो उसको हम लोग बोलेंगे इन लाइन कमेंट। और अगर हम लोग स्टार्टिंग से कोई कमेंट लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे जनरल कमेंट। उसका बाद में आपको दिखाई दे सकता है, यहाँ में एक मैंने दिया है कॉलम, एक कॉलम मैंने दिया है। तो इस कॉलम का बाद में जो भी कुछ लिखा आएगा, इस कॉलम का बाद में मैंने एंटर प्रेस किया है, तो उसका बाद में आप देख सकते हैं यहाँ में लिखा हुआ है इफ, और इफ का आगे में यहाँ में एक बड़ा स्पेस है। आप देख सकते हैं यहाँ में एक बड़ा स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग बोलेंगे इंडेंटेशन। इसको हम लोग बोलेंगे इंडेंटेशन, इंडेंटेशन। जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है ना टैब, टैब हम लोग प्रेस करते हैं तो एक टैब हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं इंडेंटेशन। एक बात यहाँ में जानना बहुत ही जरूरी है, जो पाइथन प्रोग्राम है, पाइथन प्रोग्राम में कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं होता है। जैसे कि जावा, सी, सी प्लस प्लस ऐसा प्रोग्राम में जैसे कि कर्ली ब्रेसेस का यूज़ होता है, लेकिन पाइथन में कर्ली ब्रेसेस का यूज़ नहीं होता है। उस जगह में पाइथन में इंडेंटेशन का यूज़ होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ कॉलम लिखा है, कॉलम लिख के एंटर कर देने का साथ साथ में मेरा जो इफ है, इफ का जो आई है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ है, वो थोड़ा हट के यहाँ से स्टार्ट हुआ है। मतलब यहाँ में एक इंडेंटेशन आ गया है। और इंडेंटेशन कैसे आया? बिकॉज ऑफ दिस कॉलम। एक कॉलम के वजह से क्या हुआ, यहाँ में एक इंडेंटेशन आ गया है।
तो वैसे ही मैंने यहाँ में लिखा इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, फिर से मैंने यहाँ में क्या किया एक ब्रैकेट क्लोज किया, उसके बाद में फिर से मैंने एक कॉलम दिया, तो फिर से यहाँ में क्या हो गया एक इंडेंटेशन आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ में एक इंडेंटेशन आ गया, इसको भी हम लोग बोलेंगे इंडेंटेशन। फिर इंडेंटेशन का बाद में जैसे कि हमें मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, प्रिंट फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट। ये जो मैंने लिखा है प्रिंट फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट जो है यहां में देख सकते हैं मैंने लिखा फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट, इसको मैंने डबल कोटेशन का अंदर में लिखा है, दैट मींस डबल कोटेशन का अंदर में जो भी कुछ हम लोग लिखते हैं वो एज इट इज जैसे होता है वैसे ही डिस्प्ले आता है आउटपुट स्क्रीन में। तो इसका बाद में मुझे एंटर प्रेस कर देना है, एंटर प्रेस कर देने से फिर से मेरा जो लाइन है मेरा जो कर्सर है यहाँ में ही आएगा, लेकिन फिर से मुझे बैक स्पेस करके यहाँ में जाना है। तो फिर मैं लिखा एल्स, एल्स लिखने के बाद में फिर से मैंने क्या किया एक कॉलम दिया है। अब देख सकते हैं यहाँ में जो एल्स है एल्स इफ का बराबर है, तो यहाँ में जो स्पेस है ये जो एल्स का यहाँ में जो स्पेस आया है इसको भी हम लोग बोलेंगे इंडेंटेशन। फिर एल्स का बाद में मैंने कॉलम दिया है, तो कॉलम प्रेस कर देने का साथ साथ में जब मैंने एंटर किया है तो मेरा जो प्रिंट है यहाँ में आ गया है। देखिए प्रिंट यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ, या तो यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये जो लाइन है ये जो स्पेस है इसको भी हम लोग बोलेंगे इंडेंटेशन। मतलब यहाँ में एक चीज़ होता है, यहाँ में पाइथन है, पाइथन में इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथन में कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं होता है, उस जगह में पाइथन में इंडेंटेशन यूज होता है। तो ये भी एक स्टेटमेंट हो जाएगा, ये भी एक स्टेटमेंट हो जाएगा। उसका बाद ये जो मैंने इफ लिखा है, इफ का बाद आप देख सकते हैं मैंने प्रिंट लिखा है, तो ये जो प्रिंट लिखा है मैंने एक ही स्टेटमेंट यहाँ में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ में मल्टीपल स्टेटमेंट आ सकता है। इफ का बाद में मल्टीपल स्टेटमेंट आ सकता है, यहाँ में मे बी सिंगल स्टेटमेंट आएगा या तो मे बी मल्टीपल स्टेटमेंट आएगा। ये जितना भी स्टेटमेंट आएगा इसको हम लोग बोलेंगे ब्लॉक, इसको हम लोग ब्लॉक बोलेंगे। तो वैसे ही एल्स का बाद में भी जो प्रिंट स्टेटमेंट आया हुआ है इसको भी हम लोग बोलेंगे ब्लॉक, दैट मीन्स इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम ब्लॉक। तो प्रोग्राम ब्लॉक में मे बी एक स्टेटमेंट आ सकता है या तो मल्टीपल स्टेटमेंट आ सकता है। एक स्टेटमेंट आने से भी उसको हम लोग प्रोग्राम ब्लॉक बोलेंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट आने से भी उसको हम लोग प्रोग्राम ब्लॉक बोलेंगे। उसका बाद में अब देख सकते हैं मैंने यहाँ में लिखा है ए इंट इनपुट एंटर ए नंबर, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, ये स्टेटमेंट आप लोगों के साथ में साझा किया था। इसको हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। ऐसा स्टेटमेंट अगर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। ए इंट दैट मीन्स यहाँ में क्या होगा, इनपुट स्टेटमेंट मैंने यूज किया है, और इनपुट स्टेटमेंट जो होगा आपको पता है इनपुट स्टेटमेंट एक स्ट्रिंग वैल्यू एक्सेप्ट करता है, तो उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करके ए में डाल दिया। तो वैसे ही इनपुट से मैंने दूसरा वैल्यू एक्सेप्ट किया है, फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके मैंने बी में डाल दिया। तो ए हो गया मेरा एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन का बाद में देख सकते हैं मैंने फिर से यहाँ में लिखा है, देखिए यहाँ में मैंने लिखा था लार्जेस्ट, फिर से यहाँ में मैंने लार्जेस्ट लिखा है, और लार्जेस्ट में मैंने यहाँ में ए भी लिखा है। इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग बोलेंगे हम लोग इसको। दैट मीन्स ये जो मैंने फंक्शन यहाँ में बनाया है इस फंक्शन को मैंने यहाँ में कॉल किया है, ये जो मैंने फंक्शन बनाया है इस फंक्शन को मैंने यहाँ में कॉल किया है। मान लीजिए यहाँ में मैंने कोई रेसिपी बना के रख दिया है, उस रेसिपी को अगर मुझे अभी यूटिलाइज करना है, उसको यूज करना है, तो मैं उस रेसिपी को यहाँ से कॉल किया है मैंने। ये हो गया फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग का बाद में मैंने फिर से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ में लिखा है फंक्शन कॉलिंग, जो कि एक हो जाएगा इनलाइन कमेंट, जो कि मैंने पहले ही बताया था यहाँ में फंक्शन डेफिनेशन को मैंने दिया था इनलाइन कमेंट, तो ए भी एक क्या हो जाएगा इनलाइन कमेंट हो जाएगा। एक इनलाइन कमेंट। तो ए हो गया हम लोग का एक
कोई भी एक पाइथन, कोई भी एक प्रोग्राम, या तो पाइथन हो सकता है या तो कोई भी दूसरा प्रोग्राम जो होता है, हर एक प्रोग्राम का एक कंपोनेंट्स होता है। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि पाइथन का कंपोनेंट्स क्या क्या होता है। तो मेरा ये सुझाव है, जो ये जो वीडियो है, इस वीडियो को पॉज करके आप ये जो मैंने लिखा है इसको आप नोट करके अपना कॉपी में खुद से लिख लीजिए, ताकि जो भी चीज़ है वो आपको अच्छा से समझ में आए। तो अभी चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन में जाके ये जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम को एक बार रन करके हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम को मैंने पहले से ही लिख के रखा है। तो इस प्रोग्राम को चलिए रन करते हैं, इसको मैंने सेव करके रखा है। इसको रन करने से आपको कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा। इसको सेव कर देते हैं। तो देखिए एंटर फर्स्ट नंबर आया है, तो उसको मैं फर्स्ट नंबर लिख देता हूँ 5 मान लीजिए। एंटर सेकंड नंबर, तो मैं लिख देता हूँ 10। एंटर कर देने से आपको यहाँ पे दिखाई देगा सेकंड नंबर इज लार्जेस्ट। तो यहाँ मैं और एक चीज़ मुझे बताना है आप लोगों को, ये जो मैंने बोला था ब्लॉक, प्रोग्राम ब्लॉक, तो प्रोग्राम ब्लॉक में मैंने बोला था कि हम लोग मल्टीपल स्टेटमेंट एक साथ में लिख सकते हैं। तो चलिए मल्टीपल स्टेटमेंट को भी हम लोग यूज़ करके देख लेते हैं। प्रिंट, यहाँ में हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा है x इज लार्जेस्ट। तो चलिए इसको सेव करते हैं, सेव करके हम लोग रन करके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, तो इसको मैंने लिखा है 10। एंटर सेकंड नंबर, मैंने लिखा है 5। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट, 10 इज लार्जेस्ट। तो यहाँ में दो स्टेटमेंट एक साथ में आया है। क्यों दो स्टेटमेंट क्यों एक साथ में आया है? क्योंकि अगर एक कंडीशन फुलफिल होता है तो ये दो ही स्टेटमेंट एक साथ में फुलफिल होगा, मतलब एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर हम लोग सेकेंड नंबर को लार्जेस्ट बनाते हैं, सपोज मान लीजिए फर्स्ट नंबर 5, सेकेंड नंबर 10, तो उस कंडीशन में एक ही स्टेटमेंट आया है, सेकेंड नंबर इज लार्जेस्ट। तो सेकेंड नंबर लार्जेस्ट आया, लेकिन उसके बाद में कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोग यहाँ में फिलहाल एक ही स्टेटमेंट लिख के रखा है, तो हम लोग को और एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तब जाके जो नेक्स्ट लाइन है वो लाइन आएगा। तो इसमें हम लोग को लिखना है y, लार्जेस्ट। तो इसको अभी मुझे सेव कर देना है, सेव करके अभी मुझे इसको रन कर देना है। तो अभी आपको दिखाई देगा, अगर मुझे सेकेंड नंबर भी मुझे बड़ा करना है तो सेकेंड नंबर में भी दो लाइन आएगा, सेकेंड नंबर इज लार्जेस्ट, 8 इज लार्जेस्ट। तो ये हो गया कुछ पाइथन का कंपोनेंट्स जो आपसे साझा करना था। तो हमारे वीडियो में कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।